स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ब्रजेश मैथ्स पर। आज का टॉपिक है हमारा दाहिनी ओर शून्यों की संख्या, राइट प्लेस। 5 2 के गुणा से ही जीरो बनता है। तो हम देखेंगे, जैसे हमने लिखा हुआ है 100, मतलब यहाँ पे दिख रहा है आपको साफ साफ एक और दो, दो शून्य है। लेकिन अगर इसको हम लिख दें 25 × 4 या 50 × 2, तो इस वाले में तो आपको दिख रहा है कि एक शून्य है, बट इसमें है कितने शून्य? 50 का 2 में हमने गुणा कर दिया, ये 100 हो गया। अभी हमारे पास एक शून्य दिख रहा था, जबकि है कितने शून्य? 2। ऐसे हम देखें 25 और 4 में एक भी शून्य नहीं दिख रहा है, लेकिन इसमें भी 2 शून्य हमारे मौजूद हैं। तो 100 में 2 शून्य होते हैं, वो 100 आएगा, 100 का कोई भी मल्टीपल होगा, उसमें 2 शून्यों का निर्माण अवश्य होगा। तो हमने देखा कि 25 × 4 में 2 शून्य आए, 50 × 2 में 2 शून्य आए। यदि इसको हम ऐसा लिखें 5 × 5 × 2 × 2, फिर भी ये हो जाएगा 100। 5 × 5 = 25, 50 × 50 = 100, 2 शून्य तब भी बनेंगे। तो हम यहाँ से जानेंगे क्या, 1 5 और 1 2 मिलकर के 10 बनाएगा, 5 × 10 10 बनाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 10। ये 5 इस 2 से मिलके 10 बनाएगा, ये हो जाएगा 5 × 10, और 10 × 10 में 1 0 1 0, ये मिलके 2 शून्य हो जाएंगे। तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि 5 और 2 एक ऐसी संख्या है जिसका गुणा करने से शून्य का निर्माण होता है। तो हमारे पास जितने भी 5 और 2 के पेयर्स बन जाएंगे, उतने शून्यों का निर्माण होगा। तो जितने 5 और 2 हमें पता हो जाएं कि जितने 5 और 2 के पेयर बनने हैं, तो हम बता सकते हैं कि उस संख्या के गुणनफल में कितने शून्य आएंगे। दोस्तों, हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जिससे अच्छी तरीके से समझ सकें कि इसमें आने वाले प्रश्नों को हम कैसे हल कर सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हम देखें, जैसे हमारे पास है 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं का गुणनफल 6 7 8 9 10। 1 से 10 तक की संख्याओं के गुणनफल में हमें पता करना है कि कितने शून्य आएंगे दाईं ओर। तो आपको देखना है 1 से लेकर के 10 तक में हमने बताया 5 और 2 के कॉम्बिनेशन से शून्य बनते हैं। तो हमें पता करना है कि इनके बीच में कितने 5 और कितने 2 आएंगे। जितने 5 और जितने 2 आएंगे, उतने शून्यों का निर्माण हो जाएगा। हमें इनको देख करके जानना है कि कितने 5 और कितने 2 आ रहे हैं। सबसे पहले हम पता कर लें कि 2 कितनी बार आ रहा है। तो आप देखेंगे 2 की शुरुआत नज़दीक से हो रही है, हर दूसरा पद आपका 2 का मल्टीपल मिल रहा है, हर दूसरे पद में 2 का गुणा हो रहा है, 2 4 6 8 10। इस तरह से देखेंगे तो 5 की शुरुआत हमारी 5वें पद से हो रही है, जो कि 5 के अंतराल पर मिलता रहेगा। 5 के अंतराल पर 10 मिलेगा, 15 मिलेगा, लेकिन 2 के अंतराल पर हर 2 का मल्टीपल मिलता जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 2 यहाँ पर अधिक बार आएगा और 5 यहाँ पे कम बार आएगा। तो अगर हमें ये पता हो जाए कि 5 कितनी बार आएगा, तो 2 को जानने की आवश्यकता नहीं है। अब इतने में अगर देखा जाए कि 1 से 10 तक के गुणा में 5 कितनी बार आया और 2 कितनी बार आया, तो हम देख रहे हैं कि 5 यहाँ पर एक बार आया है, और इस 10 में 5 और × 2 है, तो एक बार 5 यहाँ आया। तो हम कह सकते हैं कि 5 यहाँ पर 2 बार आया है, और 2 की संख्या अगर पता करना है तो 2 एक बार यहाँ आ गया, और इस 4 में तो 2 2 होंगे, 2 × 2 2 बार यहाँ आ गया, इस 6 में एक बार 2 होगा, 2 × 3 इस 8 में 3 बार 2 होगा, इस 10 में एक बार होगा। तो हमारे पास 2 कितने बार मिल गए, 1 2 3 4 3 7 1 8 बार। तो 2 तो हमें 8 बार मिल गया, और 5 हमें 2 ही बार मिला। तो हमने बताया आपको 2 और 5 के कॉम्बिनेशन जितने बनेंगे, उतने शून्यों का निर्माण होगा। तो 5 तो हमारे पास 2 ही बार मिला, 2 8 बार मिल गया, मतलब अगर हम 5 का पेयर बनाएं, 5 हमारे पास 2 बार है और 2 हमारे पास 8 बार है, अब ये 5 इससे पेयर बना सकता है और ये 5 इससे पेयर बना सकता है, अर्थात 2 5 2 2 से पेयर बनाएंगे तो हमारे शून्य कितने आएंगे, 2 आएंगे, ये हो जाएगा यहाँ पे 100। और लास्ट में अगर कितने भी 2 बच जाएं, 1 2 अकेला शून्य का निर्माण नहीं कर सकता, मतलब 5 तो हमारे पास है नहीं, तो इन 2 के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम ये बता सकते हैं 1 से 10 तक के गुणा में शून्यों की जो संख्या होगी दाईं ओर 2 होगी। और भी चीजें यहाँ से हमें जाननी है, तो एक तो ये पता चल गया हमें कि शून्य कितनी बार आएंगे। तो पहला काम क्या करना है, हमें 5 को जान लेना है, दूसरा काम करना है कि हमें 2 को जान लेना है, और जो इसमें से कम बार आया होगा वही शून्यों की संख्या होगी, क्योंकि उतने ही पेयर हमारे बन सकते हैं। जैसे 5 यहाँ कम बार आया था, तो 5 के पेयर कम बनेंगे, यानी 5 2 बार ही पेयर बना पाएगा, 2 के अधिक बार आने से कोई
फर्क नहीं पड़ता। इसी के साथ में हम ये भी पता कर सकते हैं 1 से 10 तक के गुणा में यहाँ पे कोई भी संख्या कितनी बार आई है उसका भी पता हम कर सकते हैं। जैसे हम ये पता कर लें कि इस 1 से 10 तक के गुणा में वो 2 कितनी बार आया, 5 कितनी बार आया। सिंपली आपको लास्ट संख्या को उठा लेना है, लास्ट संख्या हमारी 10 है, 10 को आप डिवाइड कर लीजिए उससे जिसको पता करना है। जैसे हमें पता करना है कि 5 कितनी बार आया, तो हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5 × 10 जाएगा ये, और इधर फिर 2 कम हो गया, नहीं जाएगा। ऊपर वाले को आपको नहीं लेना है, कट कर देना है, और ये 2 आ गया, मतलब हम कह सकते हैं यहाँ 5 कितनी बार आया है, 2 बार आया। ऐसे अगर हमको पता करना है 2 कितनी बार आया, आपको 10 को उठाना है, 2 से डिवाइड कर देना है, 2 × 5 = 10, 2 × 2 = 4, और 2 × 1 = 2। ऊपर वाले को आपको नहीं लेना है, कट कर देंगे, इनका हमको सम ले लेना है। इनका सम कर ले तो 5 + 2 + 1 = 8। अभी हमने निकाला था, देखा था कि 1 बार 2 यहाँ मिलेगा, 2 बार यहाँ, 3 बार, 4 बार, और 3 7, और 1 8 बार। तो हम इस तरह से बता सकते हैं कि 2 यहाँ 8 बार आएगा 1 से 10 तक के गुणा में। ऐसे अगर हमसे कोई पूछता है कि 3 कितनी बार आएगा, तो वो आप वो भी बता सकते हो। इस 10 को मल्टीप्लाई कर लोगे आप 3 से, 10 को डिवाइड कर लेंगे हम 3 से, और ये जाएगा 3 बार, और फिर 1 बार ऊपर वाले को आपको कट करना है, उसको नहीं लेना है, इनका हमको सम करना है। तो 3 + 1 ये 4 हो गया। अब आप देखो कि यहाँ 4 बार 3 कहाँ मिल रहा है, आप चेक कर सकते हो। 1 बार तो 3 पे ही मिल गया, दूसरा 3 आपको 2 × 3 में, ये 6 में मिलेगा, तो इस वाले में भी 1 3 है, और इस वाले 9 में आपके 2 3 छुपे हुए हैं, 3 × 3, तो 2 बार यहाँ हो गया, 1 बार यहाँ, 1 बार यहाँ, टोटल 3 की संख्या कितनी हो गई, 4। तो हम यहाँ से यह बता सकते हैं कि कोई भी संख्या अगर यहाँ से ऐसे गुणा में लिखी गई है, तो आखिरी अंक संख्या को उठा करके आपको उस संख्या से डिवाइड कर देना है जिसको हमें पता करना है कि उसकी पुनरावृत्ति उसके गुणक में कितनी बार हुई। जैसे हमने देख लिया कि 5 को पता करना था, तो हमने 10 को उठाया, 5 से डिवाइड किया, और हमको पता करना था 2 कितनी बार आया, तो हमने 10 को उठाया और 2 से डिवाइड किया। इसी तरह हमको 3 पता करना था, तो हमने 10 को उठाया और 3 से डिवाइड किया। अगर आपको 7 पता करना है कि कितनी बार आएगा, तो हम सिंपली 10 को उठाएंगे और 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 × 7, ये तो लेना नहीं है आपका, 7 एक बार आया है, आप देख लो यहाँ पे 7 केवल एक बार आया। एक बात और, इस 10 के गुणा को हम 10 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। थोड़ा सा हमें जानना है फैक्टोरियल क्या होता है, तो फैक्टोरियल को हम हिंदी में क्रम गुणित कहते हैं, क्रम से गुणा करना क्रम गुणित कहलाता है। जैसे 10 फैक्टोरियल लिखा गया, तो इसको आप ऐसे बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में दोनों में लिख सकते हैं, मतलब 1 × 2 × 3 ऐसे ऐसे 10 तक गुणा लिखना है, या इसको आप घटते हुए क्रम में 10 × 9 × 8 = 1 तक कर सकते हैं। ये दोनों ही 10 का फैक्टोरियल दिखा रहे हैं, इसको हम इस तरह भी लिखते हैं, या फिर फैक्टोरियल का सिंबल इस तरह से भी होता है। फैक्टोरियल का मतलब हो गया क्रम गुणित, क्रम से गुणा करते हुए, कहाँ तक, यहाँ तक। अगर ये हमारा n फैक्टोरियल होता, तो हमें गुणा करना कहाँ तक है, 1 से लेकर के n तक गुणा करते जाना है, n तक। अब n की वैल्यू यदि ये 100 कहता है, तो हमें गुणा कहाँ तक करना होगा, 100 तक करना होगा। अगर ये n का मान 1000 दे देता है, तो हमें 1000 तक गुणा करते जाना है। ये हो गया फैक्टोरियल। तो आपसे कह सकता है कि 1 से 10 तक का गुणा या फिर 10 का फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या, तो सिंपली हमें वही काम करना है, चाहे ये फैक्टोरियल देके पूछ ले और चाहे ये 1 से 10 तक का गुणा करके पूछ ले। इसी को ऐसा भी कह सकता है कि 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल में दाईं ओर शून्यों की संख्या। तो आपको पता है प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरुआत होती हैं और 10 तक लेनी है, तो 1 से 10 तक में आपको 10 को उठाना है, 5 से डिवाइड कर लेना है, हमें पता करना होगा कि 5 कितनी बार आएगा। तो हमने पता कर लिया कि 5 2 बार आया, इसलिए शून्यों की संख्या 2 होगी। बड़ा सा एग्जांपल लेते हैं थोड़ा सा। अब हमें पता करना है 1 से लेकर के 100 तक के 100 का फैक्टोरियल, या इसको हम ऐसे लिख लें 100 का फैक्टोरियल, या इसको हम ये भी कह सकते हैं 1 से लेकर के 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल में, 1 से लेकर के 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल में दाईं ओर शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो अब हमें लेना है 1 से 100 तक, तो हमने दो चीजें बताई। सबसे पहले तो आप उठाएंगे लास्ट संख्या क्या है, वो है हमारी 100, और हमको इसमें पता करना है कि 5 कितनी बार आएगा और 2 कितनी बार आया, और 2 तो आपको पता है कि ज़्यादा बार आएगा। तो हम क्या करें, यहाँ से पता कर लें कि 5 कितनी बार आएगा, तो आपको क्या करना, 5 से डिवाइड करना है,
पाँच से इसको हम डिवाइड करें तो ये 20 पंजे 100 और 5 चौके 20, तो ये तो आपको लेना नहीं है, कट कर देंगे। इसका हमें सम लेना होता है और हमने सम ले लिया 20 और 4 का, ये आ गया 24। तो हमारा 5 कितनी बार आया है? 24 बार। अगर हमसे केवल इतना ही सवाल पूछ लेता, यहाँ शून्यों की संख्या ना दे करके कहता 1 से 100 तक के गुणनफल में 5 कितनी बार आएगा, तो हमारा आंसर क्या होगा? 24। अब हमें बताना है कि 5 और 2 के जितने कॉम्बिनेशन बनेंगे उतने 0 बनेंगे, तो 5 तो 24 बार आया है। अगर 2 को भी आप देखना चाहते हैं तो 2 से डिवाइड कर लीजिए आप, 2 से 100 को डिवाइड करिए, ये 50 पे जाएगा, 25 आएगा, 12 और 6 और 3 और फिर 1, इसको आपको कट कर देना है। 25 ये 75 हो गया, 75 6 3 9 1 10, 75 85, 85 10 95, 97 बार। तो 2 आपका 97 बार आया, 5 कितनी बार आया? 24 बार। ये 5 और 2 तो 24 5 24 2 से पेयर बना पाएंगे, 24 5 24 2 से पेयर बना पाएंगे, इसके बाद सारे 2 आपके फालतू हैं। तो आप कह सकते हैं जितने पेयर बनेंगे उतने शून्य बनेंगे, तो हम क्या बताएंगे? 24 शून्यों का निर्माण होगा, दाई ओर शून्यों की संख्या 24 होगी। तो हमको 2 के निकालने से कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। आप देख रहे हैं कि हम 5 निकाल करके भी आंसर दे सकते थे। अगर आपसे ये पूछता है कि 1 से 100 तक के गुणनफल में या 100 के फैक्टोरियल में 2 कितनी बार आएगा, तो हम यहाँ से 2 को निकाल लेंगे और बता देंगे कि 2 कितनी बार आएगा। सेम इसी तरह से अगर आपसे पूछता कि 3 कितनी बार आएगा, आपको क्या करना है? 100 को डिवाइड करना है किससे? 3 से। जिसको पता करना है उससे डिवाइड कर देना है, तो ये चला जाएगा 33 या 99, 11 या 33 और 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3, इसको आपको छोड़ देना है। ये 33 11 44 45 45 3 48 बार यहाँ पे 3 आएगा। आपसे पूछा होता कि 3 कितनी बार आएगा यहाँ से यहाँ तक में, तो आप बताएंगे 48 बार आएगा। यदि आपसे पूछ ले कि यहाँ पे 7 कितनी बार आएगा, तो हमको उसको 7 से डिवाइड करना है। यदि आपसे पूछता है कि यहाँ पे 10 कितनी बार आएगा, तो आपको 10 से डिवाइड करना है, यानी 10 से 2 और 5 के कॉम्बिनेशन बनाने वो 10 आ जाएगा, 10 का मतलब शून्य हो गया। और एक सवाल ये हम देखें, अगर ये पूछ लेता है कि 6 कितनी बार आएगा, तो 6 कितनी बार आएगा उसको जानने के लिए हमको पता होना चाहिए कि 2 कितनी बार आएगा और 3 कितनी बार आएगा, क्योंकि 2 और 3 के गुणा से ही 6 बनता है। तो आप ऐसा नहीं करेंगे, इसको 6 से डिवाइड कर लेंगे। क्यों? क्योंकि 6 से डिवाइड करने पर तो जहां जहां 6 आया होगा केवल वही देगा। और हमें क्या जानना है? हमें ये भी जानना है कि अगर 2 और 3 भी आए होंगे तो वो मिलकर के हमारे 6 बन जाएंगे। तो आपको देखना क्या है कि 2 और 3 कितनी बार आया। तो हमने निकाला 2 कितनी बार आया? 97 बार। और हमने निकाल लिया कि 3 कितनी बार आया? 48 बार। मतलब ये 2 इस 3 के साथ कॉम्बिनेशन करेगा, तो यहाँ से 97 और 48 में कॉम्बिनेशन होगा, तो वो कॉम्बिनेशन बनेगा 48 का। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे 6 कितनी बार आएगा, वो 48 बार आएगा। सेम ऐसे ही आगे भी आपको अगर जानना है कि 14 कितनी बार आएगा, तो आपको देखना है कि 14 डायरेक्टली ना करके हम निकालेंगे 2 कितनी बार आएगा और 7 कितनी बार आएगा, फिर इन दोनों में जो कम बार आया होगा वो आपका पेयर बनाएगा और आप बता सकते हैं कि 14 कितनी बार आएगा। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, अगला एग्जांपल अगर हमसे ये कह दिया जाए 1 से 100 तक की संख्या, 1 से 100 तक की विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9 डैश डैश, 1 से 100 तक की विषम संख्याओं के गुणनफल में शून्यों की संख्या बताएं आप, तो यहाँ पे आप देखेंगे विषम, तो यहाँ हमारा 15 भी बीच में आएगा। अब 1 से 100 तक हम ले लें और यहाँ देखें विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9, और जबकि हमने बताया शून्य का निर्माण होता किससे है? वो 5 और 2 से होगा। तो अगर हम विषम संख्या ले रहे हैं तो उसमें 2 आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि 2 हमारी एक सम संख्या है। अगर ये सम संख्या ये 2 इसमें नहीं आएगी तो वो किसी 5 के साथ पेयर नहीं बना पाएगा और वहाँ पे शून्य बनना असंभव है। तो 2 एक भी बार नहीं आया है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक में हम बता सकते हैं कि कोई भी शून्य नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 5 तो मिल जाएंगे लेकिन हमारा 2 एक भी बार नहीं मिलेगा। इसलिए 1 से 100 तक में, 1 से 1000 तक में, 1 से 1 लाख तक में अगर आप गुणा करते जाते हैं विषम संख्याओं का, तो वहां पर शून्यों की संख्या एक भी नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लेते हैं प्रथम 100 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। तो प्रथम 100 आपको पता है
प्रथम संख्या जो अभाज्य हो वो दो होती है, अगली संख्या वो तीन आएगी, अगली अभाज्य संख्या पांच आएगी, सात आएगा, ग्यारह आएगा, तेरह आएगा, डैश डैश सत्तानवे, ऐसे सौ तक ले लेते हैं हम। और आप देखोगे कि यहाँ पे तो दो आ गया, पता होना चाहिए आपको कि दो एक ही ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम होती है, इसके अतिरिक्त आगे कभी भी आपको कहीं भी सम संख्या अभाज्य नहीं मिलेगी। दो एक अकेली सम और सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। अब दो यहाँ कहीं नहीं मिलेगा, इसका मतलब अगर पांच आ भी जाए तो दो नहीं मिलेगा, तो हमारा दो किसी एक के साथ ही कॉम्बिनेशन कर पाएगा, अगले पे कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, तो शून्य बनना असंभव। आपका एक दो आएगा और एक पांच आएगा, तो एक दो आपका इस पांच से पेयर बनाएगा और शून्य कितने बनेंगे, एक। आगे ना तो आपको पांच मिलना है ना तो दो मिलना है। अब ये अभाज्य संख्याएं हम 99 तक ले लें या 100 तक ले लें, 1000 तक ले लें, दो और पांच यहां आगे कहीं नहीं मिलेंगे, इसलिए शून्यों की संख्या कितनी होगी, एक। अगला एग्जांपल, एक से 100 तक में हमें देखना है, विषम हमने देख लिया, सम संख्याओं में देख लेते हैं। तो सम संख्या आपकी 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे हमको ले लेना है 100 तक। तो अगर हम 100 तक सम संख्या ले रहे हैं तो इसमें बताना है कि जीरो कितनी बार आएंगे। तो आपको देखना था कि दो कितनी बार आता है, पांच कितनी बार आता है, तो हमने ले रखी है कौन सी सम संख्याएं। तो आप देख रहे हो कि हर एक पद में दो तो है ही, हर एक पद में दो छुपा हुआ है, इसका मतलब दो तो बहुत बार आएगा। अब हमें पता करना है कि यहां से यहां तक में पांच कितनी बार आएगा। अब इसको हम 100 को डिवाइड नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि वो एक से शुरुआत होता था, यहाँ एक से शुरुआत नहीं है। तो हम क्या करें, इसमें दो को हम कॉमन ले लें। तो आप देख रहे हो कि दो इसमें भी कॉमन है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, हर एक पद में दो कॉमन है। दो कितनी बार कॉमन निकलेगा, एक बार यहां से निकलेगा, एक बार यहां से निकलेगा, फिर यहां से ऐसे यहां तक निकलेगा। मतलब अगर हम देखें तो ये सम संख्याएं लिखी हैं, तो एक से 100 तक की संख्या में 100 हमारी 100 में से 50 सम होंगी और 50 विषम होंगी। तो हमने लिखा हुआ है सम, तो सम को लेना है, तो 50 ऐसी संख्याएं होंगी जो सम होंगी। अब आपको देखना है कि दो हर एक पद में से निकल रहा है, तो कितने पदों में से दो निकलेगा, 50 पदों में से दो निकलेगा। तो हम कह सकते हैं कि 2 की पावर 50 तो बाहर आ जाएगा, हर पद में से दो निकल गया। अब यहां बचा क्या, 1, 2, 3, 4 up to 50 तक। तो 1 से 50 तक ये बन गया। अब आप बता सकते हो 1 से 50 तक की संख्याओं में शून्य कितने होंगे, तो हमें करना वही पुराना मेथड, आपको 50 को डिवाइड कर लेना है किससे, 5 से डिवाइड करना है। ये 10 पे जाएगा, 5 को डिवाइड किया फिर से 2 पे, इसको लेना नहीं है। आप यहां से बताएंगे कि 12 शून्य होंगे, 5 हमारा 12 बार आएगा, इसलिए शून्यों की संख्या कितनी होगी, शून्यों की संख्या 12 होगी। अगर आपसे कोई पूछता है कि 2 कितनी बार आएगा, तो 2 का आंसर आप देंगे तो पहले तो आप यहां पे निकालें। आपको पता है 2 हमारा 50 बार ऑलरेडी आ चुका है, 2 यहां पे 50 बार कॉमन लेने से मिल गया। अब आपको निकालना है 1 से 50 तक में 2 कितनी बार आएगा, तो आपको 50 को डिवाइड करना 2 से, ये 25 पे जाएगा, 12 और 6 और फिर 3 और 1, इसको हमने कट किया, ये आ गया आपका 25, 6, 3, 9, 10, 35, 45, 47, अब ये तो 47 बार आ गया, और 2 ऑलरेडी 50 बार आ चुका था, मतलब 2 कुल कितनी बार आ गया, तो 50 और 47, 5, 4, 9, कुल 97 बार आया है। अगर आपसे पूछा जाए 2 से लेकर के 100 तक की सम संख्याओं में 2 कितनी बार आएगा, उसका आंसर आपका होगा 97 बार आएगा।